हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में हॉस्टल्स में एडमिशन के लिए जो भी स्टूडेंट फॉर्म डाले थे, यानी हॉस्टल एसेस करने के लिए फॉर्म डाले थे, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सभी का इंटरव्यू लिस्ट आ चुका है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए पार्टिसिपेट करेंगे या इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उनको लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ बता जाएगा। अब क्या क्या है, जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के टाइम में लेकर जाना पड़ेगा। एक बार पढ़ लीजिए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा। बड़ा आसान है, आपके पास ऑलरेडी सारा डॉक्यूमेंट है, जो नहीं होगा उसको लेकर आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन इस सब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका इंटरव्यू किस डेट में है और कहाँ पे है। तो 18 सितंबर को इन सारे कोर्स का फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज में है, इन सभी कोर्स का दो सेशन में होगा। फर्स्ट सेशन में 9:30 AM से 11:30 AM तक का इन्होंने टाइमिंग बता दिया है, तो इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको पहुँचना पड़ेगा। दूसरा फिर 19 सितंबर को है इन सारे कोर्स का। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, मतलब देखा जाए तो कोर्स वाइज डेट के अकॉर्डिंग इन्होंने टाइमिंग के हिसाब से इंटरव्यू का रखा है। तो फिर उसके बाद 21 सितंबर को है इन सारे कोर्स का है। इसके बाद 22 सितंबर को डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का है, 23 को भी है कुछ कुछ कोर्सेज का, अब मैं मतलब इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट का भी है बीटेक। उसके बाद 24 सितंबर को है। तो ये सभी स्टूडेंट का इंटरव्यू का डेट शीट आ चुका है, खासकर बॉयज़ का। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, हाँ इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड हम कल एक वीडियो बनाएंगे, उसको देख लीजिएगा कि इंटरव्यू में नॉर्मली क्या क्या पूछा जाता है, आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना होगा उसके बारे में। अब इसके बाद जो है आते हैं यहाँ पे लाइक गर्ल्स का भी फाइनली आ चुका है, आप देख सकते हैं बेगम हयात महल गर्ल्स हॉस्टल के बिहाफ में। इस बार हॉस्टल का फॉर्म जो है ना, यूजुअली पहले ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल जो वहाँ से रिलीज़ किया जाता है, बट इस बार जो है बेगम हयात महल के बिहाफ में रिलीज़ किया गया है। और ये जो है इंटरव्यू लिस्ट सभी के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेगम हयात महल हॉस्टल के लिए, नहीं, जितनी भी जामिया में हॉस्टल हैं गर्ल्स हॉस्टल उन सभी के लिए। इंपॉर्टेंट इन सब के लिए भी यही है कि ये सारा डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लेकर पहुँचना पड़ेगा। देख लीजिए डॉक्यूमेंट क्या क्या है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका इंटरव्यू का डेट शीट कुछ इस तरीके से, सभी का इंटरव्यू बेगम हयात महल गर्ल्स हॉस्टल वहीं होगा। देख लीजिए इन्होंने वेन्यू बता दिया है, सॉरी। अच्छा इसमें एक सेकेंड, इसमें जो है समझने वाली बात यह है कि इनका जो इंटरव्यू है वो प्रोवोस्ट ऑफिस में बेगम है, क्योंकि वेन्यू इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो इनका इन सब का यहीं होगा। अब जैसे 18 को इनका भी स्टार्ट हो रहा है फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस का अंदर जितने भी कोर्स हैं इन सब का। इसके अलावा इसमें मुझे थोड़ा सा लाइक कन्फ्यूज होगा, क्लियर हो लीजिएगा। वैसे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि प्रोवोस्ट ऑफिस बेगम हयात महल गर्ल्स वहीं होना चाहिए, बाकी आपको पता चल जाएगा जैसे ही होगा, मैं कंफर्म कर दूंगा। 19 को देख लीजिए फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस है, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है। इसके अलावा 20 को देख लीजिए इन सारे स्टूडेंट का है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के जो स्टूडेंट है उनका। इसके बाद 21 को जो है इन सारे कोर्स का होने वाला होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज देखा जाए तो। इन्होंने डिपार्टमेंट भी मेंशन कर दिया और फैकल्टी भी मेंशन कर दिया है ताकि स्टूडेंट को क्लियरली समझ में आए। ये रहा, मैं थोड़ा सा एक बार बॉयज़ वाला चेक करके मैं कंफर्म कर देता हूँ कि किस किस का कहाँ होगा। बॉयज़ वाले स्टूडेंट का भी साथ जहाँ तक हमें दिख रहा है इसमें अगर नोटिफिकेशन में देखा जाए तो वेन्यू प्रोवोस्ट ऑफिस बॉयज़ JMIE, तो इनका भी तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रोवोस्ट ऑफिस में ही इनका भी इंटरव्यू हुआ है, यानी कि बॉयज़ का भी और गर्ल्स का दोनों का भी जो है, गर्ल्स का गर्ल्स के प्रोवोस्ट ऑफिस में होगा और बॉयज़ के प्रोवोस्ट ऑफिस में, जहाँ तक हमें इस नोटिफिकेशन से समझ में आ रहा है। बाकी किसी भी स्टूडेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी जल्दी आपको इसको कंफर्म कर दूंगा आने वाले वीडियोस में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाइए, सारे डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी इशू डाउट्स होता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी या फिर डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं।